कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान अध्याय 9 वैश्वीकरण प्रश्नों के उत्तर। ये प्रश्न आपके परीक्षा में ये प्रश्नों के उत्तर आपके बहुत आ सकते हैं, आपके सहायक होंगे। सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण की आवश्यकता कितने वर्ष पूर्व महसूस की गई थी? तो उत्तर है 25 वर्ष पूर्व वैश्वीकरण की आवश्यकता महसूस की गई थी। फिर प्रश्न दूसरा कि जॉर्ज बुश के अनुसार खाड़ी युद्ध इस व्यवस्था की स्थापना हेतु लाया गया था, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, नई विश्व व्यवस्था या नई आर्थिक व्यवस्था? तो इसका उत्तर है नई विश्व व्यवस्था के अनुसार, राजबुश के अनुसार खाड़ी युद्ध नई विश्व व्यवस्था की स्थापना हेतु लड़ा गया था। अब एक प्रश्न कि वैश्वीकरण द्वारा विश्व को किस रूप में बदलने की कल्पना की गई है? ऑप्शन है एकीकृत विश्व समुदाय, राष्ट्रों के मध्य सीमा रहित समुदाय, भूमंडलीय ग्राम या बहुध्रुवीय व्यवस्था। तो इसका उत्तर है भूमंडलीय ग्राम। की वैश्वीकरण द्वारा विश्व को भूमंडलीय ग्राम में बदलने की कल्पना की गई। फिर है प्रश्न कि किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, श्री राजीव गांधी, श्री नरसिंह राव ने या चौथा डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका उत्तर है कि श्री नरसिंह राव प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। फिर अगला प्रश्न कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सन में हुई थी? तो उत्तर है 11 जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी। 11 जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा। अब हम देखेंगे सत्य और असत्य। पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से तात्पर्य विकसित राष्ट्रों द्वारा आर्थिक साम्राज्य की स्थापना है। यह है असत्य। फिर है दूसरा, 11 सितंबर 1990 को न्यूयॉर्क के ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, यह है सत्य। फिर है तीसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नव विश्व व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ये भी ऑप्शन है सत्य। फिर है वैश्वीकरण के मुख्य सोपान उदारीकरण और निजीकरण, यह है असत्य। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में मात्र 8 उद्योग ही आरक्षित हैं। तो ये वाला है सत्य या सही। अब देखेंगे हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है कि वैश्वीकरण की आवश्यकता कितने वर्ष पूर्व महसूस की गई थी? तो इसका उत्तर है, अभी हमने पढ़ा था, 25 वर्ष पूर्व महसूस की गई थी। अब है दूसरा प्रश्न कि वैश्वीकरण द्वारा विश्व को किस रूप में बदलने की कल्पना की गई थी? नई विश्व
वैश्वीकरण द्वारा देश को नई विश्व व्यवस्था के रूप में बदलने की कल्पना की गई थी। फिर है, कौन से प्रधानमंत्री ने आर्थिक नीति की घोषणा की थी? तो श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। फिर है, भारत में नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार कौन थे? नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार थे जॉर्ज बुश। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 6। भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? उत्तर है 24 जुलाई 1991 में। 24 जुलाई 1991। फिर आधुनिकीकरण के लिए किसका प्रयोग करना आवश्यक है? तो उच्च तकनीक का प्रयोग करना आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है। फिर है, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के साथ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का सामंजस्य करना ही वैश्वीकरण की मुख्य कि वैश्वीकरण की मुख्य व्यवस्था क्या है? तो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के साथ साथ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का सामंजस्य बनाना या सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण की मुख्य व्यवस्था है, विशेषता है। फिर प्रश्न पर कि भारत भूमंडलीकरण से कब जुड़ा? भारत भूमंडलीकरण से 1991 में जुड़ा। भारत भूमंडलीकरण से सन 1991 में जुड़ा। फिर आर्थिक उदारीकरण क्या है? यह वह व्यवस्था है जो राजनीतिक व्यवस्था में आने वाले उन परिवर्तनों को जिनके अंतर्गत राजनीतिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन निहित है, आर्थिक उदारीकरण कहलाता है। फिर भारत में वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? तो भारत का विश्व व्यापार से जुड़कर आर्थिक विकास करना ही वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। अब ये प्रश्न के वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकृत करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। फिर उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? तो व्यापार हेतु कानूनी नियंत्रण में कुछ रियायत या छूट देते हुए आयात और निर्यात को सरल बनाना इसके अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में छूट दी जाए। फिर है प्रश्न की नवीन आर्थिक नीति के दो उद्देश्य। पहला, नवीन आर्थिक नीति के उद्देश्य, पहला है स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन देना, स्वतंत्र विनिमय दर और समायोजित वित्तीय प्रणाली। नवीन आर्थिक सुधार के कोई दो दोष लिखी है? तो उत्तर, दोष है सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजीकरण को बढ़ावा और दूसरा आधारभूत उद्योगों की अपेक्षा।
शिक्षा उपभोक्ता वस्तु को महत्व। मेरे प्रश्न की भूमंडलीकरण करने के तीन कारण। तो पहला कारण है राष्ट्रों की पारस्परिक नियंत्रण, फिर है विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, पर्यावरण सुरक्षा की समस्या, फिर भूमंडलीकरण के तीन लाभ बताएंगे। तो उत्तर है पहला तकनीकी विकास, विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय और ज्ञान में वृद्धि तथा समानता की भावना का विकास। फिर प्रश्न आर्थिक उदारीकरण के लाभ बताइए। पहला लाभ है आर्थिक उदारीकरण व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाता है, पूंजी का प्रसार तथा ज्ञान को बढ़ाता है और तीसरा लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आगे है प्रश्न आर्थिक उदारीकरण के कोई चार उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है देश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाकर कृषि, उद्योग और परिवहन क्षेत्र में तेजी से विकास करना। फिर वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। व्यावसायिक क्षेत्र में शासन तथा नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम करते हुए प्रबंधकीय क्षमता का विकास करना और सामाजिक क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त करना। प्रश्न की वैश्वीकरण की विशेषताएं बताइए। वैश्वीकरण की विशेषताएं इस प्रकार है कि वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्रियाकलाप तीव्र हो जाते हैं। फिर है दूसरा व्यापार का तेजी